मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्कार, मैं हूं महेश फलावत, आप देख रहे हैं स्काई मेट वेदर। यह है देश भर का मौसम अपडेट और पूर्वानुमान। तो पहले नजर डालते हैं कि इस समय देश में क्या वेदर सिस्टम बने हुए। तो आप देखिए कि पश्चिमी विक्षोभ आगे बढ़ गया है, दूसरा पश्चिमी विक्षोभ वो पाकिस्तान के आसपास आने वाला है। तो अब ये कल से हिमालय के जो जम्मू कश्मीर है इस राज्य को प्रभावित करना शुरू करेगा और धीरे धीरे ये आगे की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ जैसे हमने पहले भी बताया था कि ये स्टॉर्म होते हैं या बादल होते हैं जो मेडिटेरियन सी में उठते हैं, और क्योंकि हर समय ज्यादातर पूरे साल जो हवाएं हैं इस इलाके पर पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती हैं, यानी मिड और एटमॉस्फेरिक लेवल के आसपास यानी काफी ऊंचाई तक, तो उस हवा के साथ साथ ये जो बादल हैं यानी कि पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, पश्चिमी गड़बड़ी कहते हैं या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, तो वहां से ये जम्मू कश्मीर के आसपास तक आते हैं। बीच में ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारे जो इलाके हैं, इस इलाके में कोई भी बहुत ज्यादा ऊंची पहाड़ी या पर्वत श्रृंखला नहीं है जिससे ये अवरुद्ध हों। जब ये जम्मू कश्मीर के आसपास आते हैं तो इनको रुकावट मिलती है, तो यहाँ पर ये स्नोफॉल देते हैं, बारिश देते हैं, और ये सर्दी के महीने में देते हैं जैसे जैसे गर्मी के महीने। अब जैसे आपने देखा कि मई का महीना आ गया है, तो अब तापमान जब बढ़ जाते हैं तब स्नोफॉल तो नहीं होता लेकिन बारिश की गतिविधियां होती हैं। हालांकि मई का महीना आते आते, क्योंकि जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में आने लग जाते हैं, तो यानी कि जब नॉर्थ की तरफ आता है तो सारे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या जो वेदर सिस्टम है वो भी ऊपर की तरफ जाते हैं। उसी तरह ITCZ भी भूमध्य रेखा के नीचे से ऊपर की तरफ आने लग जाती है, और ITCZ जब ऊपर आती है और हवाओं की दिशा जब बदलती है तभी मानसून, जो साउथ वेस्ट मानसून है, वो दस्तक देता है, जो नॉर्मली 1 जून के आसपास केरल तक पहुंचता है। तो ये वेदर सिस्टम होते हैं जो इस तरह से मूव करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे इस साल हमने देखा कि अप्रैल के महीने में 6 अच्छे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए, 7वां वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमजोर था, अभी भी लगातार एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ आ रहे हैं जो मई के महीने में, हालांकि ये काफी कम देखा जाता है कि मई के महीने में लगातार इतने पश्चिमी विक्षोभ आते रहे, पर कभी कभी एक्सेप्शन होता है यानी अपवाद होता है, तो वही इस बार देखने को मिल रहा है। यानी कि अब कह सकते हैं कि अगले 7-8 दिनों तक पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में, यानी जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक, बारिश की गतिविधियां होती रहेंगी। यानी कि मौसम लगातार 2 या 3 दिन के लिए शुष्क नहीं होगा, मौसम यानी कुछ ठंडा रहेगा, बारिश होती रहेगी, हालांकि टोरेंशियल रेन होने की संभावना कम है, लेकिन फिर भी कुछ इलाकों में अच्छी बारिश होगी। अब कल हमने देखा कि पंजाब और उसके आसपास के इलाकों में कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां थी, प्री मानसून एक्टिविटी देखी गई, धूल भरी आंधी भी थी, उत्तरी हरियाणा में भी कुछ देखा गया वेदर एक्टिविटी थी, लेकिन आज जो देर दोपहर शाम से हमें उम्मीद है कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कई इलाके, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधी के साथ बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी, और कल भी यानी 7 तारीख को भी बारिश की गतिविधियां और धूल भरी आंधी इन सारे इलाकों में रहेगी। 8 और 9 तारीख को इसमें थोड़ी कमी आएगी, लेकिन फिर भी मौसम पूरी तरह शुष्क नहीं होगा, बादल छाए रहेंगे 1-2 स्थानों पर, यानी कि कहीं हो गई कहीं नहीं हुई, इस तरह की वेदर एक्टिविटी कुछ ना कुछ होती रहेगी, कहीं बौछारें पड़ गई, कहीं बूंदाबांदी हो गई और कहीं मेघ गर्जना हो गई इस तरह की। और 10 और 11 को एक बार फिर एक नया पश्चिमी विक्षोभ आएगा जिसके प्रभाव से साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा जैसे अभी बना हुआ है, और एक ट्रफ रेखा विकसित होगी, उसके कारण जो मॉइस्चर आएगा उससे वेदर एक्टिविटी फिर बढ़ेगी। 10 और 11 तारीख को हमें उम्मीद है एक बार फिर अच्छा प्री मानसून शावर दिल्ली NCR सहित बाकी इलाकों को देखने को मिलेगा। तो अब क्या है कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पंजाब और उसके आसपास के पाकिस्तान और साउथ वेस्ट राजस्थान में बना हुआ है, नहीं नॉर्थ वेस्ट राजस्थान में बना हुआ है, वो वहां से एक ट्रफ रेखा तो पाकिस्तान की तरफ जा रही है और दूसरी ट्रफ रेखा दिल्ली होते हुए उत्तर प्रदेश तक आ रही है। यहाँ पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना है उत्तर प्रदेश में, और यहाँ से एक ट्रफ रेखा बिहार तक आ रही है। यानी ये सारे जगह जहाँ ट्रफ रेखा या साइक्लोनिक सर्कुलेशन होता है वहां मौसम खराब होता है, खराब का मतलब बारिश होती है, बादल बनते हैं और बादल ऊपर उठते हैं, और जब ये हवा ऊपर उठती है उसमें जो मॉइस्चर होता है वो ठंडा होने के कारण क्या होता है, बादल बनते हैं और बारिश होती है, यही प्रोसीजर होता है। और एक तरफ रेखा इस तरह से राजस्थान से होते हुए पाकिस्तान तक आ रही है, और ये आप देखिए नमी वाली हवाएं अरब सागर से इस तरह से राजस्थान के ऊपर नमी पहुंचा रही है, राजस्थान ही नहीं पूरे उत्तर भारत की तरफ आ रही है, तो इसीलिए ये वेदर एक्टिविटी इस इलाके में होने की संभावना है। और पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी भारत में बिहार के पूर्वी जिले और झारखंड के पूर्वी जिले और ओडिशा, पश्चिम बंगाल, इन सारे इलाकों में अच्छी बारिश एक बार फिर शुरू हो जाएगी, यानी गरज के साथ बौछारें पड़ेंगी, कुछ इलाकों में तेज बारिश होगी। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहेंगी। इधर भी देखिए कि बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर इस तरह से पूर्वी भारत की तरफ आ रहा है।
तो अब मध्य भारत की बात करते हैं, तो मध्य भारत में कल से, यानी आज तो बहुत ज्यादा वेदर एक्टिविटी नहीं होगी, साउथ छत्तीसगढ़ में कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है, लेकिन कल से छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। मध्य प्रदेश के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जो विदर्भ से लगे हुए जिले, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं, और बाकी इलाकों में छुटपुट वेदर एक्टिविटी होगी, यानी कि बादल गरजने वाले बनेंगे और लेकिन तेज बारिश नहीं होगी, कुछ इलाकों में हल्की फुल्की गरज के साथ बौछारें गिर सकती हैं। और 7 तारीख से विदर्भ के साथ साथ मराठवाड़ा वगैरह के जो इलाके हैं, मध्य महाराष्ट्र, इस इलाके में भी बारिश होने की संभावना हमें नजर आ रही है। और दक्षिण भारत की बात करते हैं, तो दक्षिण भारत में आप देखिए कि एक तरफ रेखा बनी हुई है मध्य प्रदेश से लेकर के तमिलनाडु तक, और इसमें भी जो नमी वाली हवाएं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी बढ़ा रही हैं, तो अब तेलंगाना में बारिश बढ़ेगी और केरल और दक्षिणी कर्नाटका और तटीय कर्नाटका, इस इलाके में बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी, यानी ठीक ठाक बारिश कई दिनों से हो रही है और अभी भी लगातार बारिश की गतिविधियाँ जारी रहेगी। तमिलनाडु में भी अब बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने की संभावना है, रायलसीमा और आंध्र प्रदेश में भी बारिश अब बढ़ेगी, तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि दक्षिण भारत को अब अच्छी बारिश देखने को मिलने की संभावना नजर आ रही है। इसके आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको आगे बताएंगे। स्काई मेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। प्रदूषण की रियल टाइम इन्फॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल।